आपका क्वेश्चन है इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये कैसा है आपका, एक सर्कल है, इसके अंदर आपके कुछ एंगल्स बने हुए हैं एंड कुछ साइड्स हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें देखो सेंटर, इसका सेंटर कहां पर होगा, सम वॉट हियर, दिस इज आवर ओ, है ना। नाउ अब आप देखो कैसा है ये, यहां पर इसने एंगल दे रखा है 50 एंड दिस इज योर कॉर्ड बीसी। तो आपके ये देखो सेंटर के पास से बाकी दो एंगल्स बने हुए हैं आपके, टू एंगल्स, है ना। नाउ अगर आप देखोगे ये एंगल देखो आपको कैसे कर रहा है, इट्स नॉट इन सेंटर, ये एक साइड में है, ठीक है, और दैट टू आपके सेम साइड में है, सेम साइड में है, ठीक है। दैट मींस अगर आपका क्या है, देखो ये आपका एक आर्क बना रहा है, एक ट्रायंगल है, तो इसने एक आर्क बनाया जिसने कवर किया इस आर्क को बी टू सी नाउ, और ये जो एंगल डी है ये क्या कर रहा है, ये देखो इसने क्या किया, इसने भी सेम आर्क को कवर किया। दैट मींस आपका क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, है ना। तो आपका इसमें हुआ आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर इसने एक एंगल दे रखा है 70 डिग्रीज एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस फुल एंगल सी, है ना। तो अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं दैट इज योर बी डी सी, ट्रायंगल इज योर बी डी सी, तो आपके थ्री एंगल्स कौन कौन से होंगे, आपका एक होगा सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, दैट इज योर एक्स, है ना। तो वी कैन राइट इट एज दिस, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है ना। तो सीबीडी कितना दिया इसने, 70, तो हमने यहां लिख दिया 70 डिग्री, प्लस एंगल डी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया दैट इज योर 50, तो 50 डिग्री, प्लस एंगल सी इज योर एक्स, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो ये दोनों कितना हो गया, 70 प्लस 50 इज 120, तो 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो x की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आई है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपका सेंटर में एंगल नहीं है, आपके साइड में एंगल हैं, तो जो जितने भी एंगल बनाओगे अगर उसने सेम आर्क को कवर किया है तो दे आर द सेम, ठीक है।